स्वागत आपका ड्राइव स्पार्क में, मैं हूं प्रमित। और आज जो गाड़ी हम चला रहे हैं, बेसिकली ये गाड़ी आपने अगर टॉप गियर देखा होगा उसमें एक एपिसोड आता है जहां पे वो लोग एक टोयोटा को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, उसको पानी में डुबा देते हैं समुन्द्र में। उसके बाद उसको एक बिल्डिंग डिमोलिश हो रही थी उसके ऊपर से रख देते हैं, गिर जाती है, एक बोल्डर गिराते हैं उस पे जिससे क्रेन जो दीवार तोड़ता है उससे मारते हैं, एक गाड़ी भी गिराई जाती है। उसके बाद भी वो जो गाड़ी है वो चल के, मतलब लिटरली चैसी वैसी टूट गया होता है, लेकिन वो चल के स्टूडियो में एंटर होती है। और आज भी वो गाड़ी जो है टॉप गियर के म्यूजियम में रखी गई है। एंड दिस इज द वेरी सेम व्हीकल, द टोयोटा हाइलक्स, जो उन्होंने बेसिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई। ये अब इसका लेटेस्ट अवतार में आप इस गाड़ी को देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ आपको इस टोयोटा हाइलक्स के लेटेस्ट वर्जन में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रंट एंड से, तो फ्रंट एंड में आपको जो है बहुत सारा क्रोम दिखेगा, बड़ा सा एक ग्रिल दिखता है, और उसी के साथ आपको जो है आगे एलईडी हेडलैम्प, डीआरएल, फॉग लाइट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आगे की तरफ ऑब्वियसली पार्किंग सेंसर्स भी हैं। तो उसी के साथ अगर हम यहाँ पे साइड में आते हैं तो साइड में आपको देखेंगे कि काफी चंकी टाइप के आपको व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, बड़े व्हील आर्चेस, व्हील क्लैडिंग मिल जाती है। एंड उसी के साथ 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं विद 80 टायर जो कि ऑल टेरेन टायर्स हैं। एंड साइड में आप आएंगे तो आपको एक फुटस्टेप मिलेगा और इसमें आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस गाड़ी में। उसी के साथ अगर हम बात करें इसके साइड की, तो क्रोम की बात करें तो आगे थोड़ा बहुत क्रोम है, साइड में ORVM पे थोड़ा बहुत क्रोम है, गार्निशिंग है, एंड डोर हैंडल्स आपके क्रोम में मौजूद है। उसी के साथ आप अगर इसमें पीछे के साइड जाएंगे तो पीछे के साइड आपको देखेगा टोयोटा की बैजिंग, हाइलक्स की बैजिंग, और आपको एक बेसिकली फ्लैट बेड टाइप का मिलता है जिसको बूट बोलते हैं। बूट क्या मतलब, अगर देखने में तो काफी बड़ा लगता है लेकिन स्पेस की बात करें तो सिर्फ 435 लीटर ऑफिशियल स्पेस है। ऑब्वियसली इसमें आप काफी चीजें भर सकते हो। हुक्स भी दिए गए हैं साइड में जिसमें आप इसको टाई करके लगेज को जगह पे रख सकते हो। तो वो सारी चीजें तो ऑब्वियसली आपको दी गई हैं। एंड ऑफिशियल बूट स्पेस 435 लीटर का है, सुनने में ज्यादा नहीं लगता है लेकिन बहुत ज्यादा सामान उसके अलावा भर सकते हो आप इसमें। आप चारों तरफ देखोगे तो इसमें डीकैल मौजूद है, तो ऑब्वियसली ये वाला डीकैल आप लगवा सकते हैं शोरूम से। ये काफी काम आता है इसलिए क्योंकि जब आप ऑफरोडिंग जाते हो तो जो ब्रांचेस है साइड से डंडियां निकली होती हैं वो कभी कभी जो है गाड़ी पे स्क्रैच दे देती हैं या मतलब वैसी सारी चीजें होती हैं, तो ताकि वो ना हो ये जो डीकैल है ये पूरी की पूरी जो है बीटिंग ले लेता है और आपको एकदम एक स्क्रैच फ्री गाड़ी आपको मिलेगी जब आप एक डीकैल अगर निकालेंगे। ऑब्वियसली डीकैल आपको डिलीवरी के टाइम में नहीं मिलेगा, आपको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो, सिर्फ साइड पे भी मिल सकता है, यहाँ पे तो चारों तरफ लगा हुआ है गाड़ी के। उसके साथ आपको यहाँ पे अंदर जब आप आओगे तो आपको दिखेगा कि ऑल ब्लैक्ड आउट इंटीरियर्स है, हार्ड प्लास्टिक आप देख सकते हो, हार्ड प्लास्टिक है चारों तरफ, सॉफ्ट टच मटेरियल इसीलिए नहीं दिया क्योंकि एक रगेड पिकअप ट्रक है, एक ऑफ रोडर है, तो उस मामले में ताकि गंदी हो जाएगी, धोने में आसानी होगा, लेदर होता है तो क्या वो क्रैक करना चालू कर देता है अगर पानी लगती है उसमें, लेदर थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे आप अपना हाथ रखते हो, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत मौजूद है जहाँ पे साइड पे डोर पे, लेकिन आपको सॉफ्ट टच मटेरियल ज्यादा नहीं मिलता है। उसके अलावा आप देखोगे थोड़ा बहुत क्रोम अंदर फिनिश्ड है, पुराना सा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इनका चलता आ रहा है वही मिलेगा, एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो इसमें नहीं है मिलने वाला है आपको। जेबीएल का साउंड सिस्टम है लेकिन डीसेंट साउंड करता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मैं बोलूंगा, लेकिन जैसे आप बेस बढ़ाते हो तो क्या होता है कि वो अचानक से जो है वो आवाज फटने लगती है बेस पे। एंड टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, कप होल्डर्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, आपके डिफ लॉक्स और आपका 4x4 शिफ्टर भी मिल जाएगा। उसी के साथ आपका यहाँ पे कुछ बटन देखिए, सारे बटन जो है बेसिकली टच बहुत ही ज्यादा कम है इस गाड़ी में और हैप्टिक टच वाले बटन ज्यादा दिए गए हैं। एंड उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेयरिंग व्हील काफी अच्छा है, लाइट स्टेयरिंग व्हील नहीं है, समवेयर इन बिटवीन, तो काफी काम आने वाला है। सिटी मैनेवरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, दो बड़ी बड़ी दिखती है लेकिन आराम से आप इसको मैनेवर कर सकते हैं सिटी में, ऐसे भी लोग जगह दे देते हैं ये गाड़ी को छोड़ के देखने के लिए, बिकॉज दिस इज अ हेड टर्नर, आराम से लोग इसको पूरी देखते हैं, बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का।
सीट्स की बात करें तो कंफर्टेबल सीट्स हैं। मेरा वाला साइड जो है ड्राइवर वाला साइड वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, पैसेंजर वाला साइड जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, एंड अगर सेकंड रो पे जाते हैं तो जगह थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑब्वियसली ये पिकअप ट्रक है तो आपको पीछे की तरफ ज्यादा स्पेस मिलता है जिसमें आपका बूट आता है। दो लोग मैं बोलूंगा आराम से बैठ जाएंगे, एक आर्मरेस्ट भी आप देख सकते हो यहाँ से, तो उसमें दो कप होल्डर है, तीन लोग भी बैठ सकते हैं लेकिन कंफर्टेबली चार लोग इसमें आराम से कैबिन में बैठ के जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन की, तो आपको जो है एक 2.8 लीटर का एक इंजन मिलता है जो कि टर्बो डीजल इंजन है, एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 201 bhp ऑफ पावर एंड 500 nm ऑफ पीक टॉर्क, और ये मेटर आता है एक 6 स्पीड जो हम चला रहे हैं एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ, या फिर आपको एक 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी मिलता है इसके साथ। तो इंजन काफी पावरफुल है, बहुत ही टॉकी है, लो एंड टॉक तो बहुत ही जबरदस्त है गाड़ी का, शिफ्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, आपको पावर मोड भी मिल जाता है जबकि मतलब बेसिकली ड्राइविंग मोड से आपका नॉर्मल इको और स्पोर्ट मिल जाता है। इको पे फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी है, 13 अभी हम लोग जैसे अभी धीरे स्पीड पे ही सिटी में चला रहे हैं तो 12.5 से 13 के आसपास का माइलेज दे रही है, विच इज नॉट बैड फॉर अ बिग पिकअप ट्रक लाइक दिस, एंड हाईवे पे क्रूज कंट्रोल है इसमें, आप लगा के चलाएंगे 80-100 के बीच में तो आपको आराम से क्रूजिंग स्पीड पे लगभग 15 से 16 का माइलेज मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन आप किस स्पीड पे चला रहे हो। एंड इसकी अब बात करेंगे हम लोग सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन ऑब्वियसली सॉफ्टर साइड पे है बिकॉज ऑफ रोडर है वैसे रखा गया है इसको, तो आगे आपको कॉइलओवर्स मिलते हैं लेकिन पीछे वाले जो है वो आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा, तो क्योंकि क्या होता है वो लोड आपका बेड दिया गया है उस पर आप कितना भी लोड डालिए तो उस लोड को झेलने के लिए वो आपको लीफ स्प्रिंग दिया गया, और लीफ स्प्रिंग काफी अच्छे से काम करता है जब लोड होता है पीछे, इनफैक्ट जब गाड़ी पीछे से आप लोड कर देते हो तो काफी चिपक के चलती है और काफी स्टेबलाइज हो जाती है और भी ज्यादा बिकॉज वो नीचे से वो बैठ चुकी होती है एंड इट जस्ट स्टिक्स टू द ग्राउंड। उसी के साथ हैंडलिंग इज गुड, स्टेयरिंग रिस्पॉन्स इज गुड, काफी पावरफुल इंजन है, ऑब्वियसली टॉकी इंजन पावरफुल भी है, 200 bhp कम नहीं होता है, 500 nm तो बहुत ही पावरफुल है, एंड मतलब काफी सारी चीजें हैं जो इस गाड़ी को एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग गाड़ी बनाती है। तो प्राइस की बात अगर करेंगे हम इस गाड़ी की तो अभी जो हम चला रहे हैं दैट इज द हाई वेरियंट, इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है हाई। स्टैंडर्ड वाला वेरियंट में आपको सिर्फ मैनुअल मिलता है और हाई वाले वेरियंट में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक मिलता है, तो ये वाला है जो ऑटोमेटिक है। तो ये गाड़ी का प्राइस जो है स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 30 lakh rupees एक शोरूम, लेकिन यहाँ जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये आ जाता है लगभग 38 lakh rupees एक शोरूम, जो कि ऑन रोड आते आते अराउंड 44-45 lakh हो जाता है, लेकिन टोयोटा के कुछ डीलरशिप्स आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं हाइलक्स पे, तो वो ऑब्वियसली आपको अवेल करना चाहिए जाके, एंड अगर आपके पास बजट है आप डेफिनेटली जाके एक बार हाइलक्स देख लीजिए। बेसिकली ये एक इट्स टेक्निकली फॉर्चूनर ओनली, ऐसा आगे से यहां तक फॉर्चूनर है बट यहां से आगे से काफी डिफरेंट है, और ऑब्वियसली सस्पेंशन सेटअप बहुत ही अलग है इस गाड़ी का, अच्छी चलती है, रोड अच्छा है, थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो है ये बिकॉज ऑफ रोडर है, लेकिन ओवरऑल इट इज अ फैंटास्टिक व्हीकल, कहीं भी नहीं फंस सकते हो आप इस गाड़ी के साथ। आपके पास यहाँ पे शिफ्ट बाय वायर में 4x4 की टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप लोग एक जगह पर रुक के इसको शिफ्ट कर ले 4 high और 4 low। उसके साथ आपके पास में डिफ लॉक दिया गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल, सेफ्टी में आपके पास 6 airbags है, तो काफी लोडेड है ये गाड़ी, बट फिर भी लोगों को थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग फॉर the engine, the capability and the brand। तो ये गाड़ी सालों साल चलती रहेगी अगर आप तेल पानी सही टाइम पे चेंज करते रहेंगे। तो if you're looking out for a Hilux, you can go definitely check that out। And ये एक बहुत ही capable off-roader है।